चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। 13 महीने बाद दुष्यंत चौटाला को मिली खुद के हलके में एंट्री। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 13 महीने बाद खुद के हलके में एंट्री मिली है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी थी कि वो यहाँ नहीं आ पाए। दुष्यंत किसानों के विरोध के चलते पिछले साल 20 नवंबर को चौटाला आए थे। किसान आंदोलन के चलते वो बीच में यहाँ नहीं आ सके। पिछले साल जब 24 दिसंबर को दुष्यंत चौटाला ने उचाणा आने की कोशिश की थी तो करसेंदु गांव में उनका हेलीपैड किसानों ने उखाड़ दिया था और उनको विजिट कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद 8 मई को कोरोना को लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेने आए तो किसानों ने जींद में बड़ी संख्या में डेरा डाल लिया था, जिसके चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। इसी महीने जब 1 दिसंबर को चौड़ा के दरौली खेड़ा में दुष्यंत चौटाला ने एक विवाह समारोह में आने की कोशिश की तो किसानों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। अब दुष्यंत चौटाला को 13 महीने बाद उनके हल्के में प्रोग्राम करने का मौका मिला। रविवार को उन्होंने हल्के में कई कार्यक्रम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी बनी के लोगों के बीच नहीं आ सका। दुष्यंत ने कहा कि आंदोलन के चलते मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए लोगों के बीच नहीं आया। वहीं दुष्यंत ने कहा कि किसान आंदोलन में शामिल किसान नेताओं को पहले से ही माइंड सेट था कि उन्हें चुनाव लड़ना है, इसलिए अधिकतर किसान नेताओं ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बता दें कि दुष्यंत चौटाला 2019 में उचाणा सीट से बीजेपी से सीटिंग विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को 47,402 वोट से हरा कर जीते थे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।